आज हम स्टार्ट करेंगे संख्या पद्धति, और संख्या पद्धति में हम पिछले दो क्लास पढ़ चुके हैं और आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे इकाई का अंक, यूनिट डिजिट नंबर आज हम देखेंगे कैसे फाइंड करते हैं। तो चलो देखते हैं, इसके लिए यूनिट डिजिट नंबर काफी पूछे जाते हैं। यूनिट डिजिट नंबर इकाई का अंक, इकाई का अंक, ठीक। देखिए क्या होता है, पहले समझो कि इकाई का अंक क्या होता है। जैसे मान लेते हैं ये एक नंबर लिखा, ठीक, 311। अब इसमें देखिए ये है इकाई आपकी, ठीक है, ये है आपकी दहाई, ठीक, और ये है आपका सैकड़ा, फिर आगे हजार, दस हजार, लाख, दस लाख, इस तरीके से बढ़ता जाता है, ठीक है। तो हमें नंबर कौन सा पूछता है, ये इकाई का पूछता है। देखिए इसमें किस किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं वो हम एग्जाम्पल देकर आपको समझाने का प्रयास करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन इस टाइप का पूछता है, जैसे ये क्वेश्चन है, ये गुणा है। अब इसे पूछेगा इसकी इकाई का अंक बताइए। जब आपसे गुणा में दिया हो और इकाई का अंक पूछा हो तो क्या करेंगे, इसका इकाई का अंक और इसका इकाई का अंक, जितने भी नंबर आपको मल्टीप्लाई में दिए गए हैं उन सब का इकाई का अंक आप उठाइए और मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखिए दो अट्ठे कितने हुए, 16, इसमें इकाई का अंक कितना मिला, 6, तो इसका इकाई का अंक कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इतनी बात क्लियर। एक और उदाहरण देखते हैं, 112 गुणा 302 गुणा 15 गुणा 10 बराबर कितना होगा, इसमें इकाई का अंक कितना होगा। देखिए कभी भी आपको 2 और 5 मिल जाए इकाई का अंक, ठीक, या फिर इकाई का अंक 6 मिल जाए, ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमेशा, या फिर इकाई का अंक 0 मिल जाए तो क्या होगा, हमेशा इकाई का अंक 0 होगा। क्या होगा, 0 होगा। कहीं पर बीच में भी अगर मिल जाता है आपको 0 तो इकाई का अंक 0 ही होगा। एक और एग्जांपल देखते हैं, 3×15 सर, 3×15 इकाई का अंक करो ना, मल्टीप्लाई इकाई का अंक, यहाँ का सैकड़ा का है कौन सा, इकाई का अंक उठा के करो ना, 2×5 10, 10 में कितना होता है, 0 होता है, और 0 यहाँ देखो मिल रहा है, तो इकाई का अंक 0 ही होगा। 108 गुणा 106 गुणा, चलिए इसको थोड़ा बदलते हैं, इस टाइप से लिखते हैं, 105 गुणा 106, इसमें इकाई का अंक कितना होगा, इस टाइप से पूछता है। तो देखिए यहाँ यहाँ इकाई का अंक पहले गुणा करिए, और यहाँ इकाई का अंक गुणा करिए। अगर गुणा में है तो सबका इकाई का अंक गुणा कर दीजिए, अगर बीच में प्लस माइनस लगा है तो क्या करेंगे, इसमें इसमें इकाई का अंक गुणा करेंगे, 6×8 48, इकाई का अंक 8 मिलेगा, इसमें 6×5 30, इकाई का अंक कितना मिलेगा, 0 मिलेगा। अब क्या करना है, अब करना है हमें कि अब इन टोटल का इकाई का अंक कितना आएगा। तो देखिए इसका इकाई का अंक कितना होगा, 8, और यहाँ इकाई का अंक कितना है, 0, तो क्या करना, 8 से 0 आपको माइनस करना है, तो कितना बचेगा, 8 बचेगा। बात इतनी समझ गए, तो इस तरीके से निकालते हैं, ठीक। एक और उदाहरण लेते हैं, साफ कर देखे, 8×48 इकाई का अंक हो गया, ठीक, या 6×5 30 इकाई का अंक, 0 हो गया। अब 8 से 0 तो माइनस करोगे तो कितना आएगा, 0 आएगा, 8 आएगा, 0 क्यों आएगा, 8 से 0 माइनस करोगे तो 8 आएगा, 0 क्यों, 0 थोड़े आएगा, 0 क्यों आएगा, 8 आएगा ना, 8 से 8 माइनस, हाँ 8 से 8 आ रहे हैं, 8 से 8 नहीं माइनस ही नहीं हो रहा है, 0 लिखा है मैंने, 8 माइनस तो जबरदस्ती है क्या लिखा है, बोल देख रहे आगे देखिए। अच्छा इसके बाद आगे समझते हैं, अगला चौथा एक एग्जांपल देखते हैं, 1×5 5×30 दोनों को जोड़ देंगे तो इकाई का कितना बनेगा, 5, ठीक है। तो इस तरीके से जो
जोड़ने या और घटाने वाले का इकाई का अंक निकाल सकते हैं। एक और एग्जांपल इसके देख लीजिए, फिर अगले टाइप के अंक बताते हैं। अब जैसे इकाई का अंक हमें मान लेते निकालना है 1706 गुणा 1000 माइनस 1003 गुणा 2003 303। ठीक है, यहां देखिए इकाई का अंक कितना आएगा, 6 और 0 गुणा करेंगे 0 माइनस, यहां इकाई का अंक कितना आएगा 9। अब 0 से तो 9 जाएगा नहीं, लेकिन ये पता है ये नंबर आपको बड़ा दिखाई दे रहा है और ये नंबर आपको छोटा दिखाई दे रहा है, इसका मतलब ये नंबर बड़ा होगा ये नंबर छोटा होगा, इसका इकाई का अंक 9 और इसका इकाई का अंक 0। तो 0 से हम कहें 9 माइनस करो तो आप कहोगे नहीं कर पाएंगे, नहीं करेंगे, ठीक। लेकिन ये नंबर बड़ा है, एग्जाम्पल के लिए ऐसे देखते हैं 100 में से हम क्या 99 माइनस नहीं कर सकते, इसका इकाई का अंक ही तो बड़ा है, लेकिन ये तो ऊपर वाला टोटल बड़ा है, कुल मिलाकर ये 100 है ये 99 है। इसी तरह से इसमें जो भी आगे नंबर होगा वो इसको क्या देगा, हेल्प करेगा और दहाई दे देगा, ठीक है। इसको जब दहाई दे देगा तो कितने हो जाएंगे यहाँ 10, 10 से 9 जाएगा माइनस, तो इकाई का कितना 1 आ जाएगा, बात समझ गए। तो इस तरीके से इसमें इस टाइप का आता है, तो यहाँ घबराना नहीं है कि ऐसे बन गया आप क्या करें, तो ये बन जाएगा इस तरीके, ठीक है। यार 0 होता है तो ये मैं समझ लेना 0 नहीं है 10 है, ठीक है, 10 से ये माइनस होगा, अगर यहाँ प्लस होता तो सीधा 9 आ जाता, इसमें माइनस हो रहा है, ठीक, ये 10 है ना कि 0, और ऐसा नहीं करेगा वो कि ये वाला नंबर छोटा दे दे, ठीक है, ये नंबर छोटा नहीं देगा, अगर दे भी देता है तो क्या करोगे इसमें फिर 9 में से घटा देना है, ठीक है। तो ये है कुछ टाइप जो मल्टीप्लाई और गुणा और जोड़ घटाने पर इकाई के आधारित होते हैं। अब आते हैं घातों पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें घात दी जाती है बहुत ज्यादा और पूछा जाता है इसका इकाई का अंक बताइए। तो अब हमसे पूछा जाएगा कि घात के रूप में दे देगा, फिर हमसे पूछता है कि इकाई का अंक बताइए, तो उसके लिए आपको क्या करना है, याद रखना, क्या याद रखना है वो देखिए। देखिए ये कोड है 0156, ठीक, इसको याद रखना है 0156। अगर किसी भी संख्या का इकाई का अंक 0 हो, 1 हो, 5 हो और 6 हो, ठीक, तो उस संख्या की आप कितनी भी घात करो उसका इकाई का अंक सदैव यही मिलेगा, ठीक है, उसका इकाई का अंक क्या मिलेगा, सदैव यही मिलेगा, अगर 0 है तो 0 मिलेगा। एग्जांपल के लिए देखिए 10 है, 10 का अगर घात 2 करो तो कितना मिलेगा आपको, 100 मिलेगा, ठीक, घात अगर 3 कर दोगे तो कितना मिलेगा, 1000 मिलेगा। तो इस तरीके से यहाँ इकाई का अंक 0 ही आ रहा है, अरे अगर आपको इकाई का अंक 0 मिलेगा तो आप इसकी घात कितनी भी करिए, ठीक है, आपको हमेशा इकाई का अंक 0 ही मिलेगा। ऐसे ही एग्जांपल इसका इकाई का अंक देखिए, इसमें 1 है, अब इसकी पावर आप चाहे कितनी कर दीजिए हमेशा इकाई का अंक 1 ही मिलेगा, ठीक। इसी तरह से 5 है इकाई का अंक अगर, तो इसकी आप कितनी भी पावर कर दीजिए हमेशा आपको इकाई का अंक 5 ही मिलेगा। ऐसे ही अगर इकाई का अंक 6 है तो आप इसकी कितनी भी पावर कर दीजिए इकाई का अंक हमेशा 6 ही मिलेगा, ठीक। तो इन चीजों को आप याद रखते हुए बाकी का निकाल लेते हैं, ठीक है। तो ये तो समझ आ गया, 1000 या 10000 में 0 ही आएगा, ठीक है। अब क्या करना है आपको, देखिए अब हम देखते हैं सबसे पहली कंडीशन कि अगर किसी भी संख्या का इकाई का अंक 2 हो, इकाई का अंक 2 हो, ठीक, इकाई का अंक कितना हो, 2 होने पर, 2 होने पर क्या करना है, ठीक है। देखिए अगर इकाई का अंक 2 है, ठीक, तो आप क्या करिए, इस तरीके से याद रखिए थोड़ा सा, यहां पर आप करेंगे शेष, यहां करेंगे अंक, या अंक इकाई का, ठीक है, ठीक, समझिए बात। हम लेते हैं जैसे ये हमारे पास एक संख्या है, इसकी इकाई का अंक 2 है और इसकी पावर हमें लगा दी 25। अब क्या करना है आपको, कुछ करना नहीं है, बस इतना करना है कि इसकी जो भी घात दी जाएगी उसे क्या करोगे, 4 से भाग लगाओ, ठीक है,
तो इसकी घात कितनी है 25। ठीक, 25 को भाग लगाइए कितने से, 4 से, 4 छंग 24, कितना शेष बचा 1। जब 1 शेष बचेगा, ठीक है, तो यहां से देखेंगे 1 शेष बचने पर इकाई का अंक 2, तो इसमें इकाई का अंक कितना 2 बचेगा। ठीक है, इकाई का अंक कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। इतना बात समझ गए? अगर एक ने बदला है दोनों पे तो उसका अंदर का आ जाएगा सर। क्या बदला? जैसे इकाई का अंक जैसे इसमें 2 है तो घात में 5 है, होल स्क्वायर वाला 2 ही आएगा, ऊपर ऊपर का नहीं आएगा। ऊपर ये घात है, घात को 4 से भाग लगानी है। अब घात भाग लगा के तुम देखो इसमें से ये 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 और ये शेष बचेगा आपका, या तो 0 शेष बचेगा, या 1 बचेगा, या 2 बचेगा, या 3, 4 शेष बचेगा नहीं, क्योंकि 4 से तो हम भाग लगा रहे हैं। तो अगर हमारा 0 शेष बचेगा तो इकाई का अंक आप बताओगे 6, अगर हमारा बचेगा 1 तो बताएंगे 2, अगर हमारा 2 शेष बचेगा तो बताएंगे कितना 4, और अगर 3 शेष बचेगा तो बताएंगे 8। इतनी बात समझ गए? अगला देखते हैं उदाहरण एग्जाम्पल। और देखिए ये एक नंबर है, ठीक है, और इसकी पावर है 252। ठीक है, आपको क्या करना है, इस घात को भाग लगानी कितने से, 4 से। तो 4 से भाग लगाने के लिए क्या करोगे, देखिए अगर कोई भी नंबर दिया, कितना भी बड़ा नंबर हो, तो उसके पीछे के जो अंक हो 2, उनको 4 से भाग लगाइए। ठीक है, जब 4 से भाग लगानी हो इसमें तो उनको भाग लगाइए, देख लीजिए कितना शेष बचता है। 4 से भाग लगाएंगे तो 4 एकम 4, कितने बचे 1, 2 ताली 4 तीन 12। ठीक है, पूरा कट गया। अब जब पूरा कट गया मतलब शेष बचा 0, शेष जब 0 बचेगा तो इकाई का अंक इसमें कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो अगर आपको 4 से भाग लगानी है तो बहुत बड़ा अगर यहाँ घात में नंबर दे रखा है तो उसको पूरे को नहीं लगानी है, केवल पीछे वाली संख्या को ही भाग लगा के आप देख लीजिए, आपको पता लग जाएगा कितना शेष मिल रहा है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर? आगे देखते हैं, आगे देखिए 1002। अब इसकी पावर हम लगाते हैं 1002। ठीक है, कितना लगाते हैं 1002। इसमें हमें इकाई का अंक निकालना है। क्या बताया हमने, पीछे के अंक उठाइए, पीछे के दो जब अंक उठाएंगे तो कितना मिलेगा 0 और 2, इसे कितने से भाग लगानी है 4 से। क्या इसमें 4 से भाग लगेगी, 2 में 4 से भाग जाएगा नहीं जाएगा, यानी 2 शेष है। जब 2 शेष है तो क्या करिए, 2 के ये कितना है इकाई का अंक 4, 2 के लिए इकाई का अंक कितना है 4, बस यहाँ काम खत्म हो गया। ठीक है, इस तरीके से आप इसमें लगाते रहिए, और लगा लीजिए 222 है, इसकी घात कर देते हैं हम 2 उठाना है और कुछ नहीं करना है, पीछे के 2 अंक उठाना है, 6-7 भाग लगानी है कितने से 4 से, तो कितना 4 एकम 4, यहाँ बचेगा कितना 2, 7 उतार लो 4 छंग 24, 4 छंग 24 कितने बचे 3, 3 शेष बचे, 3 शेष के लिए कितना इकाई का अंक 8, काम खत्म। ठीक है, तो जब इकाई का अंक 2 मिलेगा तो उस पर क्या करेंगे आप, इस पर बेस्ड क्वेश्चन यहाँ से आपके सब हल हो जाएंगे, चाहे वो कितना भी बड़ा दिया हो, चाहे वो कितना भी छोटा हो। ठीक है, तो अब तो लोग आगे इसकी प्रैक्टिस करिए जिसमें इकाई का अंक 2 हो। ठीक, इसके बाद हम सीखेंगे इकाई के अंक 3 वाला। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, आप इसकी अब प्रैक्टिस करिए जिसमें इकाई का अंक 2 हो, तो आप आसानी से इसी सारणी से आप निकाल सकते हैं, और आप बार बार जब क्वेश्चन इस सारणी से लगाएंगे तो ऑटोमेटिकली ये सारणी आपको याद हो जाएगी। तो इसीलिए हम इतना ही यहाँ पर रोकते हैं ताकि आप लोग अब इससे प्रैक्टिस कर लें अच्छे से, उसके बाद तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।